इस साल लगातार हुई बारिश के कारण मक्के का उत्पादन गिरा है और इसका असर मध्य प्रदेश की बैतूल मंडी में दिखाई दिया है। पिछले साल 31,000 क्विंटल रोज तक आवक देखने को मिल रही थी। इस बार बुधवार को कृषि उपज मंडी में 18,235 क्विंटल ही मक्का की आवक हुई है। दरअसल साल भर मक्का की डिमांड रहने से दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों के मुताबिक मक्का की डिमांड अधिक हुई है और साल भर बड़े व्यापारी इसका स्टॉक करके रखते हैं। जिले में मक्के का उत्पादन पिछले साल से कम है, इसीलिए मक्का के दाम 2,000 के ऊपर निकल गए हैं और अभी फिलहाल 2,103 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। दाम अधिक होने के कारण किसानों को कम उत्पादन के बाद भी कुछ फायदा देखने को मिला है। कृषि उपज मंडी में दीपावली के बाद से मक्का की लगातार आवक बढ़ रही है। मंडी 3 दिन लगातार बंद रहने के बाद बुधवार को 18,000 क्विंटल से अधिक आवक मंडी में देखने को मिली। पहली बार मंडी में मक्का अधिकतम 2,103 रुपए क्विंटल पर बिका है, जबकि प्रचलित दाम 2,045 रुपए है। आमतौर पर किसानों को मक्का के दाम 1,500 से 1,800 रुपए क्विंटल तक मिल रहे थे, लेकिन नवंबर में मक्का की आवक मंडी में आते ही दाम बढ़ने लगे। फरवरी तक अभी फिलहाल मक्का की आवक जारी रहेगी, पिछले साल भी रही थी और मक्का की बंपर आवक खरीफ सीजन की दूसरी मुख्य फसल मानी जा रही है। मक्का की आवक जिले में फरवरी तक होती रहेगी। पिछले साल कटाई के बाद से ही मक्का की बंपर आवक हुई थी। जिन किसानों की मक्का की फसल अच्छी हुई वे कटाई के बाद मक्का लेकर आने लगे हैं। मंडी में एक सप्ताह से मक्के के दाम 2,000 रुपए से अधिक होने के कारण किसान खेतों से सीधे मंडी पहुंच रहे हैं। दरअसल पिछले साल जिले का मक्का बांग्लादेश, दक्षिण भारत, तमिलनाडु सहित अन्य जगहों पर गया था, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण पिछले साल किसानों को दाम कम मिले थे। वहीं अब व्यापारियों का कहना है कि मक्का की डिमांड साल भर रहती है। डिमांड अधिक होने के कारण बड़े व्यापारी मक्का का स्टॉक कर लेते हैं और इस बार जिले में उत्पादन कम है, इस कारण दाम अधिक देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मक्का से बहुत से उत्पाद भी बनाए जाते हैं और इस बार भी जिले का मक्का देश भर में निर्यात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।